गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं सब मजे में होंगे। तो सुबह के बज चुकी है 10, सब निकले हैं शॉप पे और फटाफट घर का काम किया क्योंकि वो लोग लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। और तन्नू गई है एक बार ट्यूशन क्योंकि सुबह सुबह है ना, उसका भाई आया हुआ वो पढ़ा देगा। सोनू का बन जाए ना, वो पढ़ाता है बहुत अच्छा, मैथ और साइंस तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा। 15 दिन के लिए अब वो ही पढ़ाएगा उसको। और बस मैं निकल रही हूँ शॉप पे, लेट हो चुकी हूँ क्योंकि है ना शादी के शूट की है ना, बस आज आज का काम है दब्बी का। फिर मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, थोड़ी सी मतलब चैन से रोटी खा पाऊंगी। अब मैं रोटी राटी कुछ नहीं लेके जा रही क्योंकि पहले मैं मंदिर में जाऊंगी फिर शॉप पे जाऊंगी। और मैं अभी शॉप पे जा रही थी तो मैं सोनू का फोन आ गया कि बोली रोटी जरूर लेके जाइयो, अपनी चाहे एक रोटी लेके जाइयो, फिर कल की तरह रोटी लगेगी। तो मैं अपनी दो रोटी पैक कर रही हूँ और थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी चाय, ये पैक करके मैं लेके जा रही हूँ। इसमें पालक की सब्जी है और ये चाय, और ये मैंने सब्जी पैक कर ली, रोटी और पैक कर रही हूँ, और ये थोड़ी सी मलाई पैक करूंगी। दुकान की भी मैंने साफ सफाई कर ली है, बस अब खाना खाने लग रही हूँ। मेरा हीटर मैंने लगा लिया, हीटर लगा के मैं खाना खा रही हूँ। पर सर्दी नहीं है, पर थोड़ा सा ना सोनू आती है ना तो उसको गर्म गर्म कमरा चाहिए। मैं शॉप से आ चुकी, रात के साथ बना लिया खाना, ये देख लो टिंडी घी का भोग लगाने जा रही हूँ मैं भगवती माता जी का। और बस आप बैठेंगे और इधर हमारा देख रहे हो माल खिंडा पड़ा है सारा का सारा। कितनी अच्छी ड्रेस आई है, कितनी सुंदर ड्रेस आई, तो हम आपको दिखाएंगे रोटी खा के। ये बटिंडी जी का भोग लगा दुकान जी का। अभी खाना वगैरह हमने खा लिया और मेरे से शेविंग का तेल लग रहा है और अभी मम्मी से हेड वॉश करेगी मेरा अच्छे से, क्योंकि डैंड्रफ हो जाता है। मम्मी आगे से ऐसे रगड़ रगड़ के सिर वॉश करेगी मेरा, हेड वॉश करेगी। रसोई बिल्कुल साफ करके आई हूँ मैं, इधर लगाऊंगी हीटर क्योंकि इसको हीटर के आगे बिठाऊंगी 2 घंटे और बाढ़ में क्या जंग, तो सिर तो धो रही है ये, ठंड लग रही है मुझे क्योंकि इसका तो नजला बंद हो चुका, इसके नजला बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका। और इसके ना का नजला मेरे को हो गया क्योंकि ना घर घुसते साथ है ना मैं ऐसे करने लग जाती हूँ और इतनी छिकम छिक हो जाती हूँ इतनी बहुत ज्यादा, और इसका हो चुका बंद। तो अब इसका सिर धो रही है और मेरा सिर तो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है। गाइस मेरे मुंह पे हो चुकी है छाया, देखो बिल्कुल छाया होगी मुंह पे, बिल्कुल भी नहीं थी, अब छाया सारे दिखने लगी, सारे टोकने लगे क्योंकि खाने पीने की ना एक तो रूटीन से बन नहीं रहा क्योंकि खाना मैं बिल्कुल कम खा रही हूँ। और सब्जी तो जब से मैंने बीमार होने सब्जी तो मैंने खा के नहीं देखी, बिल्कुल जरा सी खाती हूँ क्योंकि स्वाद ही नहीं लगती मेरे को, बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगती। और किसी ने मेरे को बताया दीदी मैं खाने खाओ दूध में डाल के, आरती ने बताया है, वो बाहर रहती है, अभी अभी फोन आया था आरती का, दीदी मखाने डाल के खाओ दूध के अंदर, जो कि दीदी ने भेजे थे दिल्ली से मखाने, उसने ये बताया कि दूध में डाल के भाई मतलब 7-8 मखाने खाओ डेली। और ये रख दी है मैंने मनी क्योंकि आज मेरी मनी आई थी, बहुत दिनों के बाद मनी आई है, देखो बड़ी मुश्किल से आई आज मेरे, क्योंकि कई दिन से माता जी ने माई की जोत लगाई, वो कहा माँ मेरे पैसे ला के दे दे, तो कल मेरे पैसे भी आए हैं, राज भी आए थोड़े से। और मैं ये रख रही हूँ क्योंकि बस अब बोस डाली है क्योंकि मैंने ना आप जोड़ मेरे मेन थे ना कपड़े भी निकाले हर जो सर्दी के थे ज़्यादा मोटे, वो मैं रख रही हूँ। देखो गाइस ये दूध के साथ लेने हैं, मीठे दूध के साथ, ये कैल्शियम की कमी पूरी करते हैं। ये बाहर मैंने रख लिया आज सारे के सारे क्योंकि सुन कुतर के देख लो कितना बुरा हाल कर रखा है, और ये मैंने फेंक दिए हैं। और ये पोहा भी खराब हो चुका है, ये बिस्किट मैंने डोगी के लिए रख दिए, चूहिया ने देख लो काट कूट के क्या बुरा हाल कर दिया घर में। और घर पे रहती ना मेरे को चैन नहीं मिलता, मैंने सोची हूँ सफाई कर ही देती हूँ क्योंकि सफाई तो चल रोज कर लो घर में तो भी कम है। और मैं घर पे रहती ना जब एक ना एक चीज है ना निकाल के निकाल लेती हूँ, ये भी कर दू वो भी कर दू। आज मैं घर पे हूँ किसी रीजन के लिए घर पे हूँ, मैं आपको बताऊंगी पीछे। हमारे गाँव में मैंने अर्जेंट काम है कुछ, चल प्रधानमंत्री तो मैंने शॉल भी ले लिया है, इसका डाठा मारूंगी मैं और फटाफट निकल लेती हूँ, 11 बज चुके हैं। आज मैं ससुराल आ चुकी, इतना गंदा घर में शादी की थी, देख लो मेरे घर में ऐसे थे, देख लो ऐसा घर था, देख लो इस घर में था, ये तो किचन थी मेरी, इधर मैं रोटी पोया करती, ये देख लो, और ये घर था, और ये पुरानी रसोई थी उनकी, और ये कमरा था देख लो, इस कमरे में बैठ कर मैं सिलाई कराया करती थी, और इधर फ्रिज होया करता, इधर मेरी मशीन, और इधर मैं बैठा करती, ये देख लो ये घर था पहले का, ये देख लो। और फिर बीनू का दे है, देख लो ऐसे घर में शादी हुई थी मेरी, और मैंने मेहनत से नू सोच लो बीवाणी वाला घर इतनी मेहनत से बनाया था देख लो, और वो भी राम ने मेरा मंजूर नहीं होया, और मैंने दूसरा घर बनाया है जब जाकर थोड़ी शांति मिली, देख लो इस घर में के देखा है मेरी माँ ने नहीं पता मैंने के देख कर शादी करी थी। मैं आ चुकी हूँ मेरी दुरानी के पास जो कि आप इसको जानते हो गए, तो दिखाऊं क्यों नहीं, सारी बार तने दिखान लग रही, आरी सन ने ना डिसाइड किया है, बोली तू आड़े घर बना ले आड़े रहन लग जा, रहन लग जाऊं
अरे सिलाई करांगे फिर आप तनु सोच लिए हाँ, तो और के तनु ना तो इसका पापा ले जाएगा और फिर मैं ना अकेला रहना है तारा सारा जिंदगी पास हो जाएगी मेरी नू है ना तो तनु तो अपने पापा के पास ले जाओगी एक कटिंग कर लेंगे और एक सिलाई कर लेंगे यही बात हो रही है पर है ना रोज का आना जाना ना मुश्किल हो जाए तो मैं जब भी आती हूँ ना तो इनके पास जरूर आती हूँ क्योंकि मैं इनसे बिना मिले चली जाऊँ ना तो ये मेरा ब्लॉग देख कर मैंने गाढ़ क्वेश्चन लग जाए क्यों बेटा है ना ये हमारी बेटी है जो कि तनु के साथ की है कितने साल की होगी तो 15 की ना 16 नौ का जन्म है ना तेरा का तो या प्लस टू होनी चाहिए छोटी उम्र में भेजने लग जाए हाँ तनु मैंने 3.5 साल या कितने साल की भेजी तनु तो मैंने 3.5 साल की करवा दी थी एक मोटो और आने लग रही है या है मेरी बड़ी जिठानी बना दे, या मेरी दुरानी है देख लो या छोटी है ये मेरे से दोनों के दोनों छोटी है मोटी गणी होगी ये आखा खा के इनती गोद के सही कह अरे भी इसका लड़का लग गया नू सोच लो और आप ही दुआ करना लग जाए मैं झूठ तो बोल दो क्या तो दे दुआ तो करवाऊंगी वे लोग है ना दुआ दे देंगे अरे किसकी दुआ काम आ जाए और लग गया तो मेरा सूट बढ़िया सा लिया कर दोगे एक नंबर का डीजे विजे लगा कर नाचांगे ठीक से ओ मैं बजा दूंगी डीजे ठीक से मेरी और डीजे जम्मा एक नंबर की टेंशन ना ले ठीक है भगवान करे लग जाओ दो इसका है एक इसका है और मेरा सिर कौन सा मनु नहीं बेरा मनो कौन सा रोटी देगा आजकल के बहु लेकर बुट जाए ठीक है तो मेरा परिवार में यही दो ही है जो कि मैं इनका घर पाऊं देखने वाले खूब जल जाएंगे तुम ठीक है देख दे तो होंगे सही कहूं मैं देखने वाले खूब जल है मेरा परिवार खूब जलता होगा पीछे क्योंकि मेरा ससुराल में जलने वाले बहुत ज्यादा है जो कि मैं देख देख कर चिड़चिड़ी उठी होगी कि आज वह मेरे काम में जा रही है तो मैंने इनके पास आ जाऊं तो मैंने इतनी खुशी मिला है कि दो घंटे इनके साथ बोल जाऊं बता जाऊं अरे यार आम खुराम क्या तो गंजी आई थी भाई आई थी घर देखने खातर आई थी है ना ये ऊपर का बनाऊंगी ना जब बुलाऊंगी पहले मार्क नहीं कर रही थी तो ना मेरे काने ये तेरे काने कर दिया दिखाऊ तेरा तेरा गुलाबी गुलाबी शाल दिखा है तो चलो आज है ना गांव में इतना से मिली हूँ इतना से मिली हूँ इतना अच्छा लग गया है इतना अच्छा लग गया है कि बस है ना इतनी बतड़ा दी मैं आज 5 बज गए हैं ये मेरी इजाजत दे दो मैं चली जाऊँ मैं पूरे 12 बजे जाऊँ जाऊँ 12 बजे आई थी मैं ठीक जो धारड़ो में मंदिर है ना वो श्याम बाबा का इनके घर के पास में बिल्कुल इनके गांव में है ना सलो मैंने इसकी मम्मी से मिलवाया पिता पीछे सरी गई थी जब मैं बिल्कुल श्याम बाबा हाँ बता दे कहते जो बाहर दुकान कर रही है ना इसकी मम्मी सेम ही आम शक्ल है इसकी नुक्की के नु इसकी नहीं है इसकी है नुक्की के नु बिल्कुल श्याम बाबा जी के बाहर बैठे ना जो प्रसाद प्रसूद रखती है वो इनकी मम्मी अब की बार जाऊंगी तो पक्का मिलवाऊंगी भूल जावे कोई कौन बुलांदा दम तैयारी क्या करनी है माँ की कसम की बात चल लूंगी भाई तू आना नु कहते लेट हो गए लेट हो गए लेट क्या दोगी नाइफ की बार चल लूंगी नाइफ की बार ईद की बार सूट क्या चाहे किमे भी आ रहा हो ईद की बार मैं पक्का चल लूंगा नाइफ की बार है नु बहुत सोनी है उसकी बहुत सोनी है और जिसने भी आना है तो होली पा जाइयो भाई अपना बाबा कमी होना कद का बाबा का मेरा कद का भाई 23 ना भाई 22 23 है ठीक है मेरा बर्थडे है इसकी बार पक्की आ जाइए देख आए बानू का जन्नू का है ना मैं बीजी फिर मैं बता दूंगी 23 ना पक्का आ जाइए पहले बता दिए देखांगे नहीं भाई तो आना है
साड़ी छुड़ी अपनी तैयार कर लियो, गाड़ी भेजो के पैर आइए सही लागा। तू क्या घर क्या होगी मैं तो देखूंगी के पैर क्या होंगे, सूटे पैर आऊं सूट तम साड़ी पहन रही हो ना ना साड़ी पहन रही हो, मेरी तो सारंग की है सेम टू सेम, मैं तो साड़ी पहन रहा हूं साड़ी पहन रही है। फाइनली अभी मम्मी और ने मुझे पिक कर लिया है वृंदा के घर से, और मम्मी अभी वहां पे ले गई है जलेबी लेने गई है गाइस, मम्मी वहां पे देख सकते हैं आप मम्मी को हाय कर रहे हैं मम्मी इतनी दूर से, आपके होंठ दिख रहे थे भाई अभी मैंने जूम कर लिया था बहुत ज्यादा। तो गाइस आज ये लोग गाँव में घुमाए और मैं स्कूल में पढ़ाई, बताओ कितनी अच्छी बच्ची, मैंने गाँव में जाने की जिद भी नहीं की दोनों। हाँ अब तक स्कूल की यूनिफॉर्म में हूँ, देखो क्या सोच रहे होंगे मैं कितनी पढ़ाकू बच्ची हूँ, अब तक स्कूल की यूनिफॉर्म में घूम रही हूँ मैं। तो तन्नू अभी अभी मेरे साथ ही आई है 7 बजे, और तन्नू ने अब लग ड्रेस भी चेंज नहीं करी, आते साथ नहीं खोल के बैठ गई है। कितनी अच्छी ड्रेस है ये देखो गाइस, बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये, हमारी होली की ड्रेस आई है मेरे बेटू कानू की, बता दे तन्नू शिवरात्रि के लिए, अरे शिवरात्रि की कितनी सुंदर ड्रेस है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है देखो गाइस, इसके साथ आपको ये मिलेगा ये देख लो, और ये हेड की कैप मिलेगी आपको, और ये देख लो ये और दिखा दे, ये है दही हांडी है ये, और ये है प्यारी सी वो क्या कहते हैं उसे बांसुरी। तो अगर किसी को भी मंगानी हो तो मैंने साइड में नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उस नंबर पे कॉल करना और वो आपकी कॉल उठा लेंगे, और आप फिर उनसे कोई भी मतलब आपको होली के लिए लेनी है और ये ड्रेस तो ना मेरे कहने पे जरूर मंगवाना, और ये देखो इतना सुंदर मुकुट भेजा उन्होंने, बहुत ही प्यारा मुकुट है, कानू दन सिंगरे का ना जब देखना। और अगर आपको होली किसी भी फंक्शन के लिए मंगाने तो आप उनसे मंगा सकते हो, बाकी नॉर्मली मंगाने नॉर्मली भी बना सकते हो, डेली यूज की भी मिल जाएंगी, और अगर आपको चाहिए जिसके भी होली आ रही शिवरात्रि आ रही उनके लिए तो उनके लिए भी मिल जाएंगी, नंबर मैं मेंशन कर दूंगी, और आईडी उनकी है आनंद क्रिएशंस के नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस।